हेलो वर्षी शरीफिया, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ब्लॉग में मैंने बोला था आपको इम्फाल सिटी दिखाऊंगा डे टाइम में, तो अभी हम जा रहे हैं इम्फाल सिटी की ओर, तो मिलते हैं वहाँ पे गाइस। Finally we reach Imphal city. Chintong. हम जा रहे हैं इम्फाल सिटी की ओर, जिनथोंग बोलते हैं इसको, व्यू दिखा था। I'll show you that side also. Sanjentong. This is Kangla Nongpok Toban. This is a footpath. Last vlog में बोला था ये एक नई जगह है वो footpath के लिए, वो है guys. इसको कशामपात बोलते हैं, कश्यप पल्लाई। हम जा रहे हैं अभी वायोक के लिए guys. Kangla. पर और मैं आपको जल्द से जल्द इसका ब्लॉग बना के दिखाऊंगा आपको। ये है कंगला फोर्ट, ये है फुटपाथ। तो फुटपाथ में मॉर्निंग वॉक सब जॉगिंग वगैरह है। ये फुटपाथ एरिया है, तो हम मेन सिटी के अंदर जा रहे हैं हिमा कैथल की ओर, तो चलते हैं वहाँ। चल रहा जाते हैं माटी चल के ओर, सो लेट्स गो। ये है गाइस इम्फाल सिटी, इम्फाल सिटी क्लीनिंग एंड दिस इज संपत एंड वी आर फाइनली रिच वी रिच सो ओवर ब्रिज, सो वी आर गोइंग ऊपर की ओर जाते हैं। This is the view guys, this is Imphal city, this footpath, this is proper Imphal city, intercity hai guys ye. Aur ye hai Kangla, to hum thodi der baad jaane wale hain, abhi open nahi hua hoga, ye Kangla port hai, to uska bhi mujhe open nahi hua hoga. Ab hum andar ja rahe hain guys, just corner hai, ye le gaya. वाटरमेलन लाइव ना फिर वाटरमेलन मगा हावे। दिस इज पोलो ग्राउंड गाइस, इंटरनेशनल पोलो ग्राउंड मणिपुर। ये है इम्फाल बाजार, यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हैंडलूम वगैरह और हैंडमेड सब कुछ मिलता है यहाँ पे।
सब घर पे बनाया हुआ, फिर घर से हाथ से बनाया हुआ है, यानी घर पे अपने अपने घर पे बना के हैंडमेड बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है, और ये विंटर के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे मैफू बोलते हैं इसको। ये गली हो गया, तो लोग यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह बेच रहे हैं, आलू गली बोलते हैं। और हम जा रहे हैं इमा कैटल मेन स्ट्रीट पे, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो आल्सो जो मैंने नाइट में दिखाया था गैस आप लोगों को, ये देखा है यहाँ पे फुटपाथ है, और ये हैपी कैथियल ये है गाइस। तो मैंने आपको नाइट का व्यू भी दिखाया था यहाँ पे, मार्केट एरिया है। इसको थंगाल बाजार बोलते हैं, ये थंगाल बाजार है, तो यहाँ पे सब सामान मिलता है। अगर आप आ रहे हो तो ज़रूर इन्जॉय करना, बहुत अच्छा बना दिया, पहले से बहुत अच्छा कर दिया यहाँ पे फुटपाथ और बैठने का स्टेन सीटिंग एरिया सब कुछ बना दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ कल्चरल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ये सब मार्केट है गाइस, और यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह सब मिलता है। तो उस तरफ भी यहाँ पे चार है शायद ऐसा, ओनली लेडीज यहाँ पे वुमेन्स सेल करते हैं, इसलिए हम इमा बोलते हैं। इमा का मतलब मदर है, तो इमा कैथियल बोलते हैं। इमा कैथियल मतलब माँ का बाजार, कैथियल मतलब बाजार। तो ये गाइस, तो हम चलते हैं दूसरे, और हमारा मणिपुर का कुछ बताना था इसलिए मैं आपको ब्लॉग बना रहा हूँ, थोड़ा कुछ बहुत आपको जानकारी देना था मणिपुर के बारे में, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सब लोग सोचते हैं मणिपुर ऐसा है वैसा है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो कंफर्टेबल फील कर सको, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये था गाइस मणिपुर का छोटा सा मार्केट, इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन आप यहाँ पे आओगे तो ज़रूर मज़ा करोगे। यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ नहीं है, आपका माइंड सेट क्लियर रखो, यहाँ पे वैसा वैसा कुछ नहीं है। सो गाइस चलते हैं गाइस। तो ये है ओवरब्रिज के नीचे से जा रहे हैं, और इसको पौना बाजार बोलते हैं। इस तरफ ओवरब्रिज के इस साइड में थंगाल बाजार है, और ये उसको पौना बाजार बोलते हैं। सो ये है पौना बाजार का रोड, मेन रोड। तो यहाँ पे सब ब्रांड वगैरह यहाँ पे मोस्टली मिलता है, यहाँ पे उस तरफ भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है ब्रांड का आइटम्स वगैरह। सो यहाँ पे आपको शॉपिंग करना हो तो यहाँ पे गारमेंट्स वगैरह फैशनेबल आइटम इस तरफ से मिलेगा, और उस तरफ थंगाल बाज़ार में आपको जाना है तो लेडीज़ का और दूसरा होम ग्रोसरीज वगैरह वो अच्छा मिलेगा आपको थंगाल बाज़ार में। और ये पौना बाज़ार में मोस्टली फैशनेबल चीज आइटम मिलेगा आपको, यानी ट्रेंडिंग वगैरह वो मोस्टली यहाँ पे लग्जरी सब कुछ ये बाज़ार में रहता है, ब्रांच वगैरह। तो अभी इतना ओपन नहीं हुआ है, 9-10 बजे स्टार्ट होता है। तो ये मुस्कान शोरूम, मोस्टली यहाँ पे आउटलेट मिलता है, यहाँ पे ये नाइकी एडी, और यहाँ पे पूमा शोरूम है। उस तरफ थोड़ा जाके रिलायंस रेंज वगैरह, यहाँ पे फोन्स वगैरह लग्जरी वगैरह यहाँ पे मिलता है। तो अगर आप आ रहे हो मणिपुर में कुछ लेना है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह, तो ये साइड में मिलेगा, ये पूमा शोरूम है, मस्जिद रोड है, तो इस तरफ जाके आपको मिलेगा गाइस। सो ये था मणिपुर का, और ये रिलायंस ट्रेंड। सो गाइस ये था मणिपुर इम्फाल सिटी का ब्लॉग, तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं इंस्टाग्राम में भी एक्टिव हूँ, तो प्लीज़ गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।